हे फ्रेंड्स, जोहार, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। हेलो हेलो, आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे बी टू टू ब्लॉग पर। गाइस, तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा वो मैं अपना साड़ी का लुक दिखा रही थी आप लोग को। थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार पूछ रही हूँ कैसी लग रही हूँ तो बता देना। और ऐसा लगता है ना कभी कभी कि मैं ठीक से साड़ी पहनी हूँ या ठीक से आज मैं अच्छी लग रही हूँ, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ सही है, किसी को पूछ सकते हैं आज। तो कभी कभी तो मैं बिल्कुल नमूने जैसे लगती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी साड़ी पहनना नहीं आता है। जैसे तैसे पहन लेती हूँ, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कैसे पहनी हुई हूँ। और सब लोग अपने घर पे बहुत अच्छे से क्लियरली प्रॉपरली पहनते हैं, पर मुझसे तो पहना ही नहीं जाता। और ऐसा है ना, साड़ी पूरे दिन भर के लिए नहीं पहन सकती और पूरे रात भर के लिए भी नहीं पहन सकती। तो थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए पहनना होता है। सबके सामने जाओ तो पहन लो, उसके बाद फिर से निकाल दो। ऐसा करती रहती हूँ और तभी मैं अच्छे से रह पाती हूँ, नहीं तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता है। हे फ्रेंड, जोहार, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आई होप सब बहुत अच्छे होगे। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होगे आई होप। तो कैसे चल रहा है आप लोग, मतलब कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ बताते नहीं हो। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो ज़रूर देख लीजिए। और सो गाइस, अभी गाँव पे है, जैसे कि आप देख सकते हो नज़ारा, पूरा खेत है हमारे घर के चारों तरफ। खेत चारों तरफ नहीं है, तीन तरफ खेत ही है। और हम तो टाइम स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ मोबाइल के साथ। मोबाइल के साथ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है, नेटवर्क होता ही नहीं है। छत पे भी जाओ तो एक दो पॉइंट नेटवर्क होती है, जिसमें हमारा काम भी व्हाट्सअप मुश्किल से चलता है। और वीडियो की तो बात ही छोड़ दो, वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही है मेरी। इसीलिए अभी मैं, आप लोग देखते होंगे, अगर मेरे से पहले से जुड़े होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि मैं वीडियो अपलोड कर ही नहीं रही हूँ, कर ही नहीं पाती। और टाइम मिलता ही नहीं है गाइस, गाँव में इतने सारे काम रहते हैं ना, इतने बिजी रहते हैं कि थोड़ा सा भी टाइम मिले तो मुझे तो नींद आती है और मैं जल्दी सो भी जाती हूँ। तो बहुत परेशान है गाइस, रोने का मन होता है, खुद खुद के रोने का मन होता है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, बाहर जाना नहीं है और बाहर की चीज़ें भी घर नहीं आ रही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी। और लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। मैंने सोचा था मेरे मायके से आने के बाद यहाँ पे कुछ दिन रुकना होगा, कुछ दिन, लाइक 5 दिन 6 दिन या 1 हफ्ता, उसके बाद हम लॉकडाउन खुलेगी और हम अपने घर चले जाएंगे। पर ऐसा हुआ ही नहीं, उल्टा हो गया। जस्ट वहाँ जितने दिन रुके थे उतना दिन शायद यहाँ पर भी रुकना पड़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है लॉकडाउन। और न्यूज़ में तो खबरें ऐसे आती है ना कि बाहर जाने से डर लगता है। और गाइस, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम भी अपना ख्याल रख रहे हैं। गांव में तो सब सुरक्षित ही है, बाकी शहरों से जो न्यूज़ आती है ना उसको देख के सच में बहुत डर लगता है। और गांव में हम सुरक्षित हैं, बहुत सुरक्षित हैं। यहाँ के लोग तो मानते ही नहीं है कि कोरोना जैसे कोई वायरस होती है। अब न्यूज़ दिखाओ तो न्यूज़ को भी फेक समझने लगते हैं। मतलब गाँव में सुरक्षित है सब, कोई मानते ही नहीं है इस बात को कि कोरोना वायरस है और इतनी सारी इतनी बड़ी बीमारी है, और इतना सीरियस लेते ही नहीं है। सब फ्री है, बहुत फ्री है, तालाबों में नहाने जाते हैं, पूरे गांव में घूमते रहते हैं। खिलाओ पापा। लोग किसी भी चीज़ से नहीं डरते, तो अच्छा है। चलो, गांव में आज़ादी तो है कम से कम, शहरों में तो वो भी नहीं है। और क्या बताऊँ गाइस, सब लोग को बहुत दिन से बहुत सारी बातें करनी है, पर हस्बैंड अभी मोबाइल पकड़े हैं और उनको शायद ख़राब लग रहा होगा, क्योंकि वो मोबाइल जब भी उनसे पकड़ाती हूँ ना तो उनका मुंह देखने लायक हो जाता है कि अब फिर मोबाइल पकड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी गाइस, वॉइस ओवर कर दूँगी। जैसे मैं वीडियो के बीच में करती हूँ ना वॉइस ओवर, तो वो कर दूँगी, उसी में शायद मैं अपनी बातों को रख पाऊँ। तो चलिए, यहाँ पे बना रही थी मैं लंच, तो लंच में मैंने दाल बनाया, चावल बनाया और एक भाजी की सब्ज़ी बना रही थी। ये वाली भाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस, आप लोगों को पसंद है क्या? हाँ, बहुत लोगों को बहुत पसंद होती है, चेच भाजी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। आप सब इसे क्या बोलते हो बताइएगा, अगर बताना चाहो तो। और हमारे यहाँ चेच भाजी बोलते हैं जो गर्मी के दिनों में ही मिलता है, तो कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इससे अच्छा तो कोई और दूसरी भाजी मैं बना के खा लूँ, पर ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और मैं पहली बार प्याज डाल के बना रही थी, लहसुन तो इसमें डाल, हमारे उधर हमारे मतलब मायके में लहसुन डालते हैं, प्याज कभी नहीं डालते। दूसरी भाजियों में
इसमें प्याज डालते हैं पर इसमें नहीं डाला जाता उधर, और यहाँ पे मैं प्याज डाल के बना रही थी। तो देखते हैं आज अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। पहली बार खाऊंगी प्याज वाला चीज़ भाजी, तो चलिए जल्दी से मैं इसको बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स, जब मैं इसको कढ़ाई में डाल रही थी तो बहुत सारी भाजी थी, पूरी कढ़ाई भर चुकी थी, लेकिन देखिए बनने के बाद में कितना थोड़ा सा हो गया है। खैर, हो जाएगा सबको। इसमें लहसुन जानबूझ के नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मामा ना के लिए बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ लेकिन मेरा चेहरा, मैं एलोवेरा जेल लगानी है। यहाँ के रहते तक मैं रोज़ एलोवेरा जेल लगाती रहूँगी क्योंकि वहाँ पे नहीं है ना, और यहाँ पे है। तो मैं चलो जल्दी सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद चावल बनेगा, देन उसको खाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, मेरा बेटा खाना खा रहा था। एक्चुअली इसको सिर्फ दाल और चावल ही खिला रही थी, भाजी इसको अच्छा नहीं लग रहा था तो नहीं दी, मेरे जैसे इसको भी पसंद नहीं आया। और देख सकते हैं बाबू नहाने के बाद में बहुत ज़्यादा नींद में रहता है, वो नींद में ही अभी खाना खा रहा है। एक्चुअली उसको ज़बरदस्ती ही खिला रहे हैं हम, और क्योंकि अभी सो गया तो एक दो घंटे बाद उठेगा, तब तक खाना खाने का टाइम ही चला जाएगा, तो अभी खिलाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़बरदस्ती मैं बाबू को खिलाने के लिए बोली थी तो खिला रहे थे, और इसलिए वो खा रहा था। तो अभी मैं तो काम में बहुत बिज़ी रहती हूँ यहाँ पे, तो सारा काम जो है ना, बाबू का ख्याल रखना वगैरह वगैरह जो भी जो होते हैं बाबू के, सारा वही कर रहे थे। और जब हम यहाँ रहते हैं ना अपने घर पे, तो बाबू मेरे ही साथ रहता है, मेरे बिना, मेरी लोरी के बिना पहली बार तो सोता नहीं है, प्लस मेरे साथ खाना खाता है, मेरे बहुत प्यार करता है, पूरा टाइम मेरे साथ स्पेंड करता है, बस घूमने के नाम से पापा को याद करता है, क्योंकि बाहर तो मेरा जाना होता नहीं है। और हस्बैंड बार बार उसको घुमाते रहते हैं बाइक से, तो घूमने के नाम से पापा को बहुत प्यार करता है, बहुत याद करता है और उन्हीं के साथ रहता है। और गांव में क्या होता है ना, गांव में ये होता है कि मैं पूरे दिन भर काम में बिज़ी रहती हूँ और बेटे को टाइम नहीं दे पाती, और थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं सो जाती हूँ। इसलिए मेरा समझदार बच्चा मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है और पापा के साथ ही पूरा दिन रहता है, और उसको पता है कि मम्मा के बाद उसको सिर्फ पापा प्यार करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सभी प्यार करते हैं करने को, पर सबसे ज़्यादा तो मम्मा पापा ही प्यार करेंगे ना, ये बात मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है गाइस। सब समझदार हैं, सभी समझते हैं, बस जिनकी समझ नहीं होती है ना, उनको समझ नहीं आने वाला। और रही बात मेरे बेटे की, तो मेरा बेटा जितना तो समझदार बच्चा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं गाइस, बहुत ज़्यादा समझदार है। इतनी छोटी उम्र में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, इसको क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा स्मार्टनेस में है कि मैं एक एक चीज़ बता नहीं सकती, और सडनली ऐसा कुछ कर जाता है ना जिससे हमको बहुत खुशी मिलती है। मैं कभी भी अपने बेटे से तंग नहीं होती हूँ, कभी भी अपने बेटे से। तो देखिए मेरी हालत इतना ज़्यादा स्वेटिंग हुआ है ना, अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मैं अभी सारा काम कर चुकी, जो खाना वाना बनाने होते हैं ना सारा बना लिया। मैं बनाई कुंदरू की सब्जी और दाल और चावल, और मेरी जो बड़ी बनाया था ना वो बनाई हूँ, तो डिनर हमारा रेडी हो चुका है और अभी मैं जाऊँगी नहाने, उसके बाद मैं आके खाना वाना खाएंगे। तो मैं जब तक नहाऊँगी नहीं ना तब तक अच्छा ही नहीं लगेगा। देखिए मेरी हालत कैसी है, बहुत स्वेटिंग हुआ है यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस यहाँ का पूरा। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी थी और आप सबको बाय बोल रही थी, पर क्या है ना, बाहर में बहुत सारे लोग बैठे थे घर वाले, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ज़ोर से बोलना, मैं धीरे धीरे बोल रही थी, जो कि आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया वीडियो पे, स्टे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और गाइस आज की ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, अच्छी लगी होगी आप लोग को तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नए ब्लॉग पे। और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं आए होंगे तो ज़रूर आए, baby2290 नाम से मेरी आईडी है, ज़रूर वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिएगा। और गाइस आज की ये वीडियो के लिए मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई सभी पार्ट, कोई सभी जगह, कोई सभी पल आपको अच्छा लगा होगा तो वो पल मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गाइस, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो पे मिल सकें। तब तक के लिए बाय।